अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे कि कैसे जो है वो आप लाइव स्ट्रीमिंग मैचेस के साथ जो है वो लाइव स्कोरिंग भी शो कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि हर वीडियो के नई अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो सबसे पहले आपने जो है वो एप्लीकेशन एक इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्रिको। यहाँ पर आप लिखेंगे CRICKPRO क्रिक प्रो। इसको आपने यहाँ पर जो है वो सर्च आउट कर लेना है और ये एप्लीकेशन आपके पास आएगी जो पहली, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप अपना स्क्वाड्स, इसके साथ साथ अपनी टीम का नेम, प्रोफाइल, जो सब चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर ओपन कर लेनी है। और उसको वहाँ पर जैसे आम स्कोरिंग होती है वैसे मैच स्टार्ट करके आपने यहाँ पर स्कोरिंग ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद फिर हम चले जाएंगे अपने सेकंड ऑप्शन पर। उसके लिए आपके पास जो दूसरी एप्लीकेशन है वो होनी चाहिए प्रिज्म लाइव स्टूडियो। तो प्रिज्म लाइव स्टूडियो को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और ये जो नीचे आ रही है ये प्रिज्म लाइव स्टूडियो, इसको आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलेंगे। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और उसके ऊपर जो लाइव स्कोरिंग के लिए इन दो एप्लीकेशंस का होना आपके पास ज़रूरी है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। नंबर एक क्रिक प्रो और नंबर टू जो है वो प्रिज्म लाइव स्टूडियो, ये दो एप्लीकेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो के तीसरे स्टेप की जानिब। तो ये दो एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप जो है वो सबसे पहले प्रिज्म स्टूडियो को ओपन कर लें। प्रिज्म स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने जो है सबसे पहले अपना अकाउंट, जो फेसबुक अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन करना है, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे वो YouTube अकाउंट हो, वो आपने यहाँ पर लॉगिन कर लेने हैं। इस तरह आपका प्रिज्म लाइव ऑन हो जाएगा। लेकिन इस प्रिज्म लाइव ऑन होने से पहले एक स्टेप और है जो आपको करना पड़ेगा, वो क्या है, उसके लिए आपको गूगल क्रोम जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है crickpro.com CRICKPRO। वही एप्लीकेशन का ये यहाँ पर जो है वो वेबसाइट यूआरएल हमें चाहिए होगा, वो आपने यहाँ पर कर लेना है सर्च आउट, चूँकि मैं पहले कर चुका हूँ तो आपने इस तरह कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर क्रिकपो के नीचे एक ऑप्शन आएगी जिसमें वो कह रहा होगा कि लॉगिन आप कर लें। लॉगिन आपने वही करना है जैसे आपने उस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन किया होगा, जिस अकाउंट आईडी के साथ आपने वहाँ पर लॉगिन किया है उसी अकाउंट आईडी के साथ आपने यहाँ पर भी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपके यहाँ पर मैचेस शो अप हो जाएंगे जो कि आप स्कोरिंग जिन मैचेस की कर रहे होंगे, तो यहाँ पर वो आपके पास शो हो रहे होंगे। जैसे कि मैंने डेमो के तौर पर जैक्सन वॉल्कर एंड स्टीवन का जो है वो मैच करवा लिया है, तो ये इंडिविजुअली चूँकि पीछे स्कोरिंग ऐप पे मैंने इनका डेमो के तौर पर लिया है, तो आपने इस तरह अपनी टीम का ले लेना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पिंडी लाइंस वर्सेस पिंडी स्टार्स या जो भी मैच आपने जो है वो उस टाइम लाइव स्कोर कर रहे होते हैं, उसको आप कॉपी कर लें। उस लिंक को कॉपी करने के बाद आपने प्रिज्म पर चले जाना है। प्रिज्म पर जाने के बाद आपने यहाँ से राइट टू लेफ्ट स्क्रीन पर जो है वो स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद जो लेफ़्ट से राइट फोर ऑप्शन वेट का आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। नीचे वेब का ऑप्शन आ रहा है, वेब पे क्लिक करेंगे। वेब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूआरएल जो आ रहा है यहाँ पर इसको प्रेस करके रखेंगे और जो आईडी आपके पास आएगी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद नीचे टाइटल आ जाएगा इसका, ये टाइटल वो बजाते ख़ुद दे देता है अक्सर, इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर शो हो गया, इसको आपने जो है वो स्क्रीन कर लेना है कंप्लीट, इस तरह सेंटर में रखकर आप इसको इसका साइज़ बड़ा कर लें, इस
तरह आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद जैसे जैसे आप अपने स्कोर एप्लीकेशन के अंदर स्कोर डालते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर जो है वो नंबर शो अप होते चले जाएंगे। और ये बहुत मज़ेदार एप्लीकेशंस है और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये एप्लीकेशन। और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों के लिए कि आप जब भी आप लाइव चलाना चाहते हैं तो आप इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, क्रिक प्रो और प्रिज्म लाइव स्टूडियो का। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं। अब मैं इसको यहाँ पर लाइव करूँ तो ये लाइव शो हो जाएगा। तो अब ये देखें, पार्क स्पोर्ट्स के पेज पर 1080 पिक्सल के साथ जो ये वीडियो शूट आउट हो रही है, तो आप इस तरह जो है वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए क्रिक प्रो के हवाले से, तो हमें आप नीचे कमेंट्स में जो है वो अपनी क्वेश्चंस या अपनी जो राय हैं उसे आगाह कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।